अब मैं एक टाइमलाइन बनाती हूँ। हम लोग अभी प्रेजेंट में हैं, अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। हम प्रेजेंट में रहकर या तो पास्ट की बातें करते हैं, या तो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बातें करते हैं। फ्यूचर से बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं आता है, सारा एरर पास्ट प्रेजेंट का ही है। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। ओके, अभी हम लोग पास्ट प्रेजेंट में हैं और हम बातें कर रहे हैं पास्ट की। हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में रहकर पास्ट में जो गलती हुई है उसके बारे में भी सोच सकते हैं, और प्रेजेंट में रहकर गलतियों को फ्यूचर में सुधारना है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ, पास्ट की बातों को याद करके हंसते हैं अपने बचपन की। हाँ, यहाँ पे ऐसे छोटा सा पास्ट लिखती हूँ। अब देखो, अब आपका कंफ्यूजन होगा कि मैम बताइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जब भी सेंटेंस में आपको परफेक्ट वर्ड दिख गया ना, जब भी आपको ये परफेक्ट वर्ड दिख गया तो समझ जाओ कि दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, दो टाइम पीरियड जुड़ता है। तो दो दो टाइम पीरियड को हम जोड़ते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ओके, जहां भी परफेक्ट आ गया मतलब समझ लो कि वहां पे दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। तो क्या क्या जुड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, ऐसे चलते गया और यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में शुरू हुआ और मेरे प्रेजेंट में आने तक ये काम खत्म हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ज़्यादा ना कॉमेंट वोमेंट बंद करिए। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट आप बोलोगे मैम इसका नाम परफेक्ट है और परफेक्ट में तो दो टाइम पीरियड जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है, तो कौन कौन सा टाइम पीरियड जुड़ता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, इसको हटाती हूँ, मैं जगह बना रही हूँ। जो काम प्रेजेंट में पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी अब जाके खत्म हुआ, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम पास्ट में शुरू हुआ, हो रहा बट यहाँ पर आकर ना खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट में चल ही रहा है, एंड नहीं हुआ है, चल रहा है और अब तक जारी है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे रही, देखो, ही हैज वर्कड सिंस 2 PM और ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 PM। दोनों सेंटेंस सही है बट दोनों सेंटेंस का सेंस अलग है। ये 2 PM क्या है, 2 PM सिंस 2 PM पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंस 2 PM पास्ट टेंस है। ओके, और यहाँ भी सिंस 2 PM, 2 बजे काम स्टार्ट किया, पास्ट टेंस में अपना काम स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 बजे काम स्टार्ट किया और 2 बजे से जाकर अब जाकर काम इसका खत्म हुआ है। ही हैज वर्क, वो 2 बजे से काम कर चुका है और वो 2 बजे से काम कर रहा है, तो ये भी परफेक्ट है, ये वाला भी परफेक्ट है, बट ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और मैंने आपको बताया ही है जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया ना तो दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। देखो पास्ट जुड़ रहा है ना, पास्ट में 2 बजे काम शुरू किया और अब जाके खत्म किया, और यहाँ भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, 2 बजे काम शुरू किया और अब तक कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे काम खत्म हो चुका है और यहाँ अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो दोनों पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, बट एक जगह काम खत्म हो गया है और एक जगह काम चल रहा है। ठीक है,
ये तो अभी हम लोग और भी बेसिक कर रहे हैं, अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आ सकता है वो सब हम लोग करेंगे। अब मैं इसको रब करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे उस साइड और भी चीज़ों को बताना है। अभी हम सारा पास्ट और प्रेजेंट वाला करेंगे।